solve this question. Find the slope of the line passing through points. Pehla question hai a 1,2 and b 2,3 and second ye hai, third ye, fourth, making an inclination 60 degree with positive direction of x axis. मैं चाहता हूं कि आप पहले इन पॉइंट को प्लॉट करें और देखें कि किस तरह के पॉइंट्स हैं और फिर इंक्लिनेशन आप फिर फॉर्मूला लगाएं. डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट यदि आप ऑब्जर्व करोगे कि किस तरह के पॉइंट हैं तो आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. फाइंड करो, आंसर करो इन सबको. तो पहले का आंसर देखते हैं. फर्स्ट वन यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको प्लॉट करें, लेट्स इन सारे पॉइंट्स को, तो पहला सिचुएशन क्या है, लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, दिस इज -1, -2, and -3. वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं बस आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ. पहले वन ए जो है 1,2 है, 1,2 यहाँ पे, और दूसरा है बी 2,3. तो आप देखो ध्यान से ये पॉइंट्स हैं, यदि आप इसको इस तरह से देखें, ये ऐसे वैसे, तो ये कितना एंगल बना रहा है बताओ, 45 डिग्री दिख रहा है कि नहीं बनाते हुए, 45 डिग्री. ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. तो यहाँ पे फर्स्ट का जो स्लोप है एम, फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1. आप किसी एक को x1 y1 ले लीजिए तो दूसरा x2 y2 हो गया. तो फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 upon x2 - x1, अप्लाई कर दीजिए. तो एम कितना हो जाएगा फर्स्ट का, देखो 3 - 2 upon 2 - 1, 3 - 2 और 2 - 1, ऐसा ये सबट्रैक्ट कर दिया. तो ये स्लोप कितना आ रहा है देखो, ये 1 आ जाएगा, दैट इज 10 थीटा. 10 थीटा इज 1 थीटा, थीटा और थीटा यदि पूछा जाए कि इंक्लिनेशन बताओ, तो इस समय थीटा हो गया 45 डिग्री और वही आ रहा है, लेकिन हमें स्लोप चाहिए था. तो स्लोप कितना है बाय द वे, एम का वैल्यू 1 है, स्लोप इज 1, ठीक है. अच्छा सेकंड बताओ, सेकंड पार्ट क्या है, ये पॉइंट आ जाए 2, -1, -2, -1, तो कहीं यहाँ पे है, और दूसरा पॉइंट है 3, -2, 3, -2, समवेयर हियर, ऐसा सिचुएशन है. तो देखो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से इस तरह से जाएगा, ये ऐसे और ऐसे बना दिया ये वाला पॉइंट, और ये इस तरह से, और ये वाला है इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए हमें. तो एम कितना आ जाएगा बाय द वे इसमें, तो -2 - -1 upon 3 - -2, ठीक है. तो ये कितना हो गया, दैट इज -1/5 हो गया, -1/5. तो इसका स्लोप एम जो है वो -1/5 ऐसा आ गया. अच्छा नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन है 1,5, 1,5 समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज 5, तो ए हो गया 1,5 और बी हो गया 1,6, तो 6 ये हो गया, लेट्स से तो 1,6 कहीं यहाँ पे हो गया बी 1,6. यदि आप इसको ज्वाइन करो तो देखो कैसा दिख रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप कितना होना चाहिए, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइन आएगा ही आएगा. देखो इसमें कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू y2 - y1, तो 6 - 5 upon 1 - 1, ये x2 - x1, तो ये कितना हो गया 1 upon 0, तो ये कितना होता है, नॉट डिफाइन. तो ये बता रहा है कि ये जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. अच्छा फोर्थ देखो, एक लाइन है जो 60 डिग्री बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ,
कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और पूछा जा रहा है कि इसका इंक्लिनेशन बताओ, मेकिंग 60 डिग्री पर, तो इसका स्लोप बताओ, तो एम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 60 डिग्री हो जाएगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 आती है, तो ये आंसर हो गया, एम इज इक्वल टू √3। आई होप कि आपको सारे केस समझ आए होंगे। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन, इसको ओरली कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 10 0 कितना होता है, 10 0 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इन द सेम वे इंक्लिनेशन 90 डिग्री है तो एम कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यदि 120 डिग्री है तो 10 120 बताओ, 10 120 डिग्री कितना होगा, ये क्या 10 180 माइनस 10 180 माइनस 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो ये माइनस √3 आ जाएगा, तो एम इज इक्वल टू माइनस √3। थिंक अबाउट इट, 150 डिग्री है तो 10 150 डिग्री, देखो 10 150 डिग्री कितना आएगा, 10 150 डिग्री, 10 150 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 180 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, और ये माइनस 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये कितना, इसमें एम कितना आएगा, माइनस 1/√3। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होता है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और जब इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। ये चीज आप याद कर लीजिए, नोट डाउन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। एनी लाइन ये एक्यूट एंगल बना रहा है, जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसमें जो स्लोप आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है बीटा, तो बीटा देखो बीटा कैसा है, ये 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस समय जो स्लोप आएगा एम दैट इज लेस देन 0। नोट डाउन दिस, यहां पे चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिए इस तरह से, नोट इफ लाइन line inclined at angle theta, with positive x-axis, then first m greater than 0 if 0 less than theta less than 90 degree, second m less than 0 if 90 degree less than theta less than 180 degree। note down this, note karo fatafat, ye point note karo। तो जब भी स्लोप नेगेटिव देखे तो ये समझ लेना है कि वो लाइन का फॉर्मेट कैसा होगा, इस तरह का, और जब भी स्लोप पॉजिटिव देखे तो देख लेना है कि स्लोप लाइन का जो फॉर्मेट होगा इस तरह से होगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस आर कॉलिनियर। अच्छा, कॉलिनियरिटी के लिए कंडीशन आपको लिखनी है,
तीन पॉइंट को कॉलिनियर करना है। करो जल्दी से आंसर, करो क्वेश्चन नंबर 17, अप्लाई करो। कॉलिनियर, तीन पॉइंट कॉलिनियर हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, एक तो लेंथ में हम लोग कर सकते हैं ए बी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, लेकिन इस समय हम लेंथ का प्रयोग नहीं करेंगे, स्लोप का प्रयोग करेंगे। तो स्लोप के लिए क्या कंडीशन होगी ये बताओ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? एक तो डिस्टेंस मेथड से कर सकते हैं, बट डिस्टेंस मेथड हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? लेट्स से ये ए पॉइंट हो गया पी प्लस वन कॉमा वन, और ये बी पॉइंट हो गया टू पी प्लस वन कॉमा थ्री, और ये सी पॉइंट हो गया टू पी प्लस टू कॉमा टू पी, ठीक है? ए बी सी पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो हमें पी बताना है सो दैट कि ए बी सी आर कॉलिनियर। अच्छा बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू बी सी, बोला जा सकता है ए बी जो है बी सी के पैरेलल है? अब ए बी और बी सी पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी होगा कि नहीं होगा? ये तो अभी सीखा था हमने कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा? देखो, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन अपॉन टू पी प्लस वन, टू पी प्लस वन माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू, बी सी का स्लोप कितना हो जाएगा? टू पी माइनस थ्री, टू पी माइनस थ्री अपॉन टू पी प्लस टू, टू पी प्लस टू माइनस पी, टू पी प्लस वन, टू पी प्लस वन। ये फॉर्मूला लगा दिया, मतलब कंडीशन अप्लाई कर दी, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? टू अपॉन, ये देखो कितना मिलेगा, टू पी प्लस वन, तो ये पी बचा इज इक्वल टू टू पी माइनस थ्री अपॉन, यहाँ पे टू पी कट हो गया, टू माइनस वन वन बचा। ये तो कहने का मतलब है टू इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर माइनस थ्री पी, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फोर होता है, तो टू पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस पी माइनस टू इक्वल टू जीरो माइनस, तो यहाँ पे टू पी कॉमन ले लेते हैं, दैट इज पी माइनस टू प्लस वन पी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टू पी प्लस वन इंटू ये कितना हो जाएगा, पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो पी की वैल्यू आ रही है कितना आ जाएगा, एक तो माइनस वन बाई टू आ जाएगी और एक टू आ जाएगी। नोट डाउन दिस, क्या यही आंसर आ रहा है? देखो, टू एन माइनस वन बाई टू, ये आंसर गिवन है। आया आंसर? कितने लोगों से आ गया था ये? बच्चे लोग आया था, हाँ सर, है ना? आ गया था सर। नेक्स्ट लिखो, कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी परपेंडिकुलर। यदि दो लाइन पैरेलल हैं, तो दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा? पैरेलल, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा, एम वन एम टू। तो यहाँ पे एम वन इज इक्वल टू एम टू है। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है ये देखना है। इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। लेट्स से ये लाइन हो गया, एक लाइन है, इसका स्लोप है एम वन। लेट्स से ये थीटा हो गया, और एक दूसरी लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। तो दिस इज एम वन, कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा,
और यहाँ पे लेट्स सी ये बीटा हो गया, बीटा एंगल है, तो बीटा कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है ना। और देखो जब भी एंगल मेजर करेंगे इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही करेंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो बीटा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, एंड इसका स्लोप हो गया एम टू, तो एम टू कितना आ जाएगा बताओ, एम टू इज 10 ऑफ 90 प्लस थीटा, यही होगा ना इन स्लोप, तो 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब है कि माइनस 1/10 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एम टू, कॉल दिस वी वन, और एम वन कितना आ रहा था, दैट इज 10 थीटा आ रहा था एम वन, ये थीटा के टर्म्स में एम वन 10 थीटा है। तो ध्यान से देखो इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट कर दें एम वन एम टू, तो एम वन एम टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1, क्या इतनी बात समझ आए। नोट डाउन दिस, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, नोट इफ लाइंस Lines having slopes, if lines having slopes M1 and M2 are perpendicular to each other, then M1 M2 equal to -1 होता है। एम वन एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। नोट डाउन दिस पॉइंट एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप एक बार ऊपर वाला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ देखो, अच्छा नहीं ठीक है। हो गया ना समझ है, हाँ सर। करो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट और राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये है, लाइन थ्रू पॉइंट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो, आंसर मिला क्या बच्चा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कितना आंसर आया बताओ सर बच्चा, एक्स का वैल्यू बताओ। एक मिनट कर रहा है। ओके 4 आंसर आ रहा है ना, लेट्स चेक। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लाइन थ्रो -2,6 एंड दिस, तो लेट्स ये पॉइंट हो गया -2,6 और एक पॉइंट हो गया 4,8, लेट कॉल दिस बी ए एंड बी, और एक दूसरी लाइन है जो 8, लेट्स ये सी पॉइंट हो गया 8,12 और ये डी पॉइंट हो गया 6,24, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर हैं तो हम अभी जो सीखा, क्या सीखा बता, परपेंडिकुलर हैं तो एम ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप इस लाइन का स्लोप इनटू एम ऑफ सी डी, सी डी लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। नोट डाउन दिस, तो ए बी का स्लोप कितना आएगा बाय द वे, 8-6, 8-6 अपॉन 4-2, तो +2 हो जाएगा, इनटू सी डी का स्लोप कितना होगा, 24-12, 24-12 अपॉन x-8 एंड दिस इज इक्वल टू -1 हो गया। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना 2/6, 2/6 इंटू ये कितना 12/(x-8) इज इक्वल टू -1। अब आप क्या कर सकते हो, 6 2 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 8-x हो जाएगा,
तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 आ जाएगी। वेरी गुड, यही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे जो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आता है। भाई बाय द वे ये कंडीशन कुछ समय कुछ जगह पे फेल हो जाती है कंडीशन। वो केस मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे फेल होती है, ये देख लेते हैं और किस सिचुएशन में फेल होगी ये। लेट से ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और लेट से ये एक स्क्वायर बना देता हूँ मैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये ओ हो गया, दिस इज ए, लेट से 1,0 है, ये बी पॉइंट है 1,1, और ये सी पॉइंट है 0,1। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है, ठीक है। यदि स्क्वायर है तो ओ बी और सी ए 90 डिग्री पे अलाइन होंगे, ये डायगोनल है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये एम ऑफ ओ बी इंटू एम ऑफ ए सी कितना आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए ना। तो बाय द वे ओ बी का स्लोप कितना है बताओ, 1/1, और ए सी का स्लोप कितना हो गया, 1-0, 1-0/0-1, 0-1 इक्वल टू माइनस वन। तो ये ट्रू हो रहा है, देखो -1 = -1, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिस इज ट्रू। तो ओ बी और सी ए 90 डिग्री पे अलाइन है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं ये बताता हूँ, बी सी और ए बी, बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी है कि नहीं। अब देखो बी सी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एम ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, एम ऑफ बी सी 0 हो रहा है, और एम ऑफ ए बी कितना हो रहा है, ए बी नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अब यदि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे अलाइन है, बट यदि इनका प्रोडक्ट करें 0 इंटू नॉट डिफाइंड, तो क्या ये -1 होगा क्या, ये तो पूरा ही मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रॉब्लम कब देखने को मिलती है, जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, ओनली देन ये प्रॉब्लम करेगा, वरना प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। क्या इतनी बात समझ आए, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, नोट डाउन दिस। तो इस तरह की सिचुएशन में ये फेल होता है, और रेस्ट ऑफ द केसेस में m1 m2 इज इक्वल टू -1 ही होगा, सिवाय इस समय कि जब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल और दूसरी y एक्सिस के पैरेलल हो। नोट करो फटाफट, राइट डाउन नेक्स्ट सेटिंग लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट डाउन एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे मेजर करेंगे ये सीखना है हमें, ठीक है। सो लेट्स से ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एंड वी हैव टू लाइंस, लेट्स से ये एक लाइन होगी और एक दूसरी लाइन ये हो गया, ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है, दिस इज एल वन हो गया, दिस इज एल टू। तो एम वन इस लाइन का स्लोप हो गया एम वन, और एल वन का स्लोप है एम वन, और एल टू का स्लोप है लेट से एम टू, एम टू। तो एम वन क्या हो जाएगा, एम वन इज 10 थीटा हो जाएगा, है ना, और एम टू हो जाएगा 10 बीटा,
क्या इतनी बात समझ आई? और इन दो लाइन के बीच में एंगल की बात करें, लेट से ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा होगा कितना? ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। देखो थीटा प्लस अल्फा क्या बीटा के इक्वल होगा? ये एक्सटर्नल एंगल है, जब भी इंक्लिनेशन देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, तभी इसीलिए हमने इसको थीटा ऐसे और बीटा इस तरह से लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो बीटा एक्सटर्नल एंगल है, तो थीटा प्लस अल्फा बीटा के इक्वल हो गया, तो कहने का मतलब कि जो अल्फा है वो बीटा माइनस थीटा हो गया, बीटा माइनस थीटा। सो ये जो थीटा है, थीटा सॉरी अल्फा जो है, अल्फा इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन लाइन, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो एंगल बिटवीन लाइन हो सकता है, ये 180, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो अल्फा और 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा आर एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन बिटवीन लाइंस, नोट डाउन देम। इस अल्फा को भी एंगल बिटवीन लाइन कहेंगे और 180 माइनस अल्फा को भी एंगल बिटवीन लाइन कहेंगे, दोनों ही एंगल बिटवीन लाइन बोले जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि दो लाइन गिवन होंगे, उनके स्लोप गिवन होंगे, जब उनके स्लोप गिवन है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन है, तो यहाँ पे टेन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? क्या टेन ऑफ बीटा माइनस थीटा होगा? दोनों तरफ टेन लगा दिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये टेन बीटा माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन बीटा टेन थीटा, टेन बीटा टेन थीटा हो गया, और दिस इज टेन अल्फा। तो टेन अल्फा हो कितना गया? टेन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन बीटा, टेन बीटा इज एम टू, एम टू माइनस टेन थीटा इज एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, और ये टेन अल्फा के इक्वल हो गया, टेन अल्फा। तो ये रिलेशन मिला कि यदि दो लाइन गिवन हो और उनके स्लोप गिवन है एम टू एम वन, और उन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन लाइन बताना है, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला ये आ जाता है, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। नोट करो फटाफट, नोट डाउन दिस। हाँ ये फॉर्मूला है, याद रखना। चलो मैं एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। लेट से दो लाइन है, इफ वी हैव एनी टू लाइन एंड दिस इज एक्यूट एंगल थीटा, इसका स्लोप है एम वन, इसका स्लोप है एम टू, देन एक्यूट एंगल थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट इज मॉड लगा देते हैं एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। थीटा इज दी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन लाइन्स, लाइन्स, समझ आए? ये कुछ अलग से नहीं आया, ये इधर ही से ड्राइव हुआ है। यहाँ पे ये अल्फा आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? टेन वन एट्टी माइनस अल्फा करेंगे तो टेन वन एट्टी माइनस अल्फा माइनस टेन अल्फा आता है, तो एक एम टू माइनस एम वन आएगा और एक आएगा एम वन माइनस एम टू। तो बट हम यदि एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल में टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या किया, एम टू माइनस एम वन या एम वन माइनस एम टू मॉड लगा दिया, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और यदि पॉजिटिव आएगी तो हमेशा क्या देगा, ये एक्यूट एंगल देगा। नोट डाउन दिस। और यहां से देख सकते हो कि यदि थीटा जीरो हो गया, पहला थीटा यदि जीरो हो गया, जीरो होते ही
जीरो या फिर 180 डिग्री, दोनों ही सोच सकते हो। जीरो या 180 डिग्री होते ही ये क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एम वन इज इक्वल टू एम टू। तो ये क्या बता रहा है कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा। और दूसरा बता रहा है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, तो 10-90 नॉट डिफाइंड, मतलब ये जीरो होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। 10-90 नॉट डिफाइंड होता है तो डिनोमिनेटर जीरो, मतलब 1 प्लस एम वन एम टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। नोट ऑन दिस, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो ये रिलेशन, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। नोट करो फटाफट।